14 से तो जियो आ गया था, तो तूफान आ गया था दुनिया में, अपने भारत में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मुझे कुछ मेरी पुरानी चीज़ हाथ लगी है, मुझे लगती रहती है पुरानी चीज़ हाथ मेरी, क्योंकि मैंने 2012-13 में जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था ना, मोबाइल वगैरह वाईफाई वगैरह, तब से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि 2008 से स्टार्ट हो गए थे ये सारी चीज़ें, यूट्यूब फेसबुक, फिर भी मतलब कि मैं यूज़ कर रहा था तब से। तो गाइस 2012-13 के अंदर मतलब कि 14 से तो जियो आ गया था, तो तूफान आ गया था दुनिया में, अपने भारत में। 14 में आया था ना? नहीं आया तो कन्फर्म कर देना अभी कमेंट्स में कब आया था। मेरे हिसाब से 2014 में आया था, तो अब तो नेट की किसी को जरूरत ही नहीं थी। पहले तो नेट मतलब 100 MB के भी कुछ 50 रुपये, 500 MB के 50 रुपये ऐसे रिचार्ज होते थे, फिर तो अनलिमिटेड फ्री कर दिया जियो ने और एक क्रांति ला दी थी। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि हमें पर जीबी 1 GB के शायद 300 रुपये देने पड़ते थे, 1 GB के, है ना? तो और उस कभी कभार तो 1 GB, हाँ 1 GB खत्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो स्पीड नहीं आती थी ना उतनी। अब तो स्पीड इतनी आती है कि दिन का 2 GB भी कम पड़ता है। तो गाइस उसी टाइम बहुत सारे लॉन्च हुए थे, मतलब कि मॉडेम बोल सकते हैं उसको, या डोंगल बोल सकते हैं, राउटर बोल सकते हैं। तो गाइस उस टाइम मैंने 2-3 तरह के डोंगल यूज़ कर रहा था। एक तो था MTS, एक कंपनी थी MTS, जो तो बंद हो गई शायद, तो वो बंद हुई नहीं, कंफर्म नहीं बताया, बंद हो चुकी है लगभग। तो उसका एक CDMA डोंगल था, उसके अंदर दूसरी सिम लगती थी, बस सिर्फ वही सिम उसकी एक मतलब की लगती थी पर्टिकुलर। तो और एक आते थे GSM, तो GSM वाले डोंगल थोड़े महंगे आते थे, वो तो उसमें रिचार्ज अपना होता था, मतलब कि फिक्स रिचार्ज होता था। GSM वाले में अपन कोई सी सिम डाल सकते थे, बड़ा फोन आइडिया उस टाइम बड़ा बंद थी, वो डाल सकते थे। तो गाइस मैं उस टाइम उदयपुर से लेके आया था ये वाला डोंगल, ये है D-Link का एक डोंगल था, 3G है ना, 3G डोंगल था। तो ये अभी भी नहीं है, देख लो 2013 भी माने ना, 2011-12 बोल रहा हूँ, 13 भी माने, तो भी 2023 चल रहा है, जो 10 साल हो गए, तो भी अभी तक इसका बॉक्स एकदम नया है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत कम यूज़ किया था, यूज़ नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि इसके उसने लफड़े बहुत थे, क्या करना था सिम को निकालो, हालांकि एक एक्स्ट्रा सिम ला के कर सकते थे ऐसा, पर सिम को निकालो फिर उसके अंदर डालो, इससे अच्छा तो उस टाइम CDMA यूज़ करता था, क्योंकि उसके अंदर सिम निकालने की जरूरत पड़ती थी, डायरेक्ट अंदर लगी हुई होती थी, और इसके अंदर सिम निकालनी थी और अंदर लगाना था, और फिर अपने चार्जर के जो एडप्टर के अंदर इसको कनेक्ट करना होता था। तो गाइस ये है D-Link, इसको D-Link 3G इसका मॉडेम राउटर नाम है इसका। D-Link तो फेमस कंपनी आप जानते हैं सब, ऐसे भी ये वाईफाई वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करती है देखो। तो ये उस टाइम मेरे को पड़ा था 2500 रुपये, 2740 रुपये इसकी रेट थी, और 2500 रुपये पड़ा था 3G वाला, 4G नहीं 3G है ना। तो गाइस अब देखते हैं ये अंदर से कैसा है। इसके एक पासवर्ड दिए थे मेरे को, मतलब दिए थे उसके अंदर जो उसका डॉक्यूमेंट आया था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये पासवर्ड फिर चेंज कर सकते थे उसकी वेबसाइट पर जाके। तो ये अभी भी है, इसको अनबॉक्स कर देते हैं अपन। अनबॉक्स ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पे मेरे पासवर्ड लिखे हुए हैं। ये रहा वो मॉडेम, वाइट कलर पड़ रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा। ये रहा मॉडेम गाइस D-Link का, अभी नया है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा इस लाइट को मैं कम करता हूँ, इस पे लिखा हुआ है लिपिडिक येलो हो गए, यहाँ लिखा है ये देखिए गाइस, ये इसका मॉडेम है D-Link का, और इस पर लिखा हुआ है बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, जैसे इस बॉक्स पे लिखा हुआ है इजी टू रिमूव, इसका क्या करना है, इसको इसमें सिम कैसे यूज़ करनी थी, ये है ना, ये यहाँ से ये ओपन होता था, हाँ ये ओपन हो गया है ना, यहाँ पे वो बड़ी वाली सिम लगती थी, स्टार्ट में बड़ी वाली नहीं थी, वो बड़ी वाली सिम लगती थी, और यहाँ से ये ओपन हो जाता था, ये ओपन हो गया, और इस होल्डर में सिम डाल देना, इसके अंदर सिम लग थी और ये से लगा देना, फिर ये देखिए जैसे लगाया ना, तो अब इसके अंदर लाइट चल रही है, अभी लाइट अभी चल रही थी। हाँ गाइस, तो ये था ऐसा सेटअप होता था, फिर अपन वाईफाई ऑन करो और चल जाते थे। तो गाइस यही था, ऐसे मॉडर्न सेट होता था, फिर पूरा रूम में ज़्यादा नहीं था, इसकी रेंज भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत अपने अपने घर में कवर हो जाए ना ऐसा था। तो ये यहाँ पे मतलब कि दो लाइट भी थी, जो अभी तो कल जल नहीं थी, पता नहीं कब जलती है, अभी ये जल गई से, ये इसके अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट है और एक रेड कलर की लाइट है, जो ये ग्रीन कलर की लाइट था मतलब कि वो ऑनलाइन हो गया है, और रेड कलर की लाइट मतलब वो बस ऑफलाइन हो गया है। तो गाइस यही था अपना D-Link का 2013 का जमाने का, 2012 मान लो का मॉडेम राउटर। तो दोस्तों अब आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि ये तो मेरी लाइफ का पहला 3G मॉडेम था, पहला GSM मॉडेम था। तो गाइस अब अपन लोग को करेंगे यही पे खत्म, लोग तो क्या है यार, लोग ने शूट ही नहीं किया, वीडियो करते यही पे खत्म, क्योंकि मुझे ये लिखना था आपको, आप करना वीडियो नीचे कमेंट कि क्या आपने उस जमाने में मॉडेम यूज़ किया था। उस जमाना तो इतना नहीं है, पर फिर भी उस टाइम मतलब कि आपने उस वो टाइम था मतलब मॉडेम का, कि हाँ उस टाइम पर किसी के पास मॉडेम था, तो प्लीज़ गाइस बताना, और प्लीज़ यार
वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।